कार हादसे का शिकार हुए भारतीय क्रिकेट टीम और दिल्ली कैपिटल्स के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत 14 महीने बाद आईपीएल के जरिए क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं। पंत को वापसी देख हर कोई काफी ज्यादा खुश है। हालांकि पंत 2 मैच खेल चुके हैं, लेकिन दोनों ही मैच में वह अपनी लय प्राप्त करने में नाकाम रहे हैं। जहाँ पहले मैच में वह सिर्फ 18 रन बनाकर पंजाब किंग्स के खिलाफ आउट हो गए, वहीं राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ भी उनका बल्ला खामोश रहा। वह सेट होने के बाद एक बड़ी पारी खेलने से चूक गए। वह इसके बाद पंत अपने आप से खफा नजर आए। उन्होंने गुस्से में बैट भी दीवार में दे मारा। इसका वीडियो भी अब सामने आया है। दरअसल दिल्ली कैपिटल्स की पारी का 14वां ओवर राजस्थान रॉयल्स की तरफ से युजवेंद्र चहल डाल रहे थे। ओवर की पहली गेंद पर ऋषभ पंत स्ट्राइक पर थे। चहल ने पंत से गेंद को थोड़ा दूर रखा। ऐसे में पंत गेंद को कट करना चाहते थे, लेकिन वह बॉल को सही से टाइम नहीं कर पाए और गेंद उनके बल्ले का एज लेते हुए सीधा विकेट कीपर संजू सैमसन के दस्तानों में चली गई और ऋषभ पंत आउट हो गए। ऋषभ 26 गेंदों का सामना कर सिर्फ 28 रन ही बना पाए। उनके पास दिल्ली के लिए एक मैच विनिंग पारी खेलने का अच्छा मौका था, लेकिन वह ऐसा करने में नाकाम रहे। आउट होने के बाद ऋषभ पंत खुद से काफ़ी ज़्यादा निराश दिखे। जब वह वापसी ड्रेसिंग रूम में जा रहे थे तो उन्होंने गुस्से में बल्ला दीवार में देकर मारा। वह अपनी पुरानी फॉर्म को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इसके अलावा बात करें मैच की, तो रियान पराग के तूफानी 50 के बाद गेंदबाजों के कमाल से राजस्थान रॉयल्स ने दिल्ली कैपिटल्स को इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के 9वें मैच में 12 रन से हरा दिया। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला जयपुर के सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। राजस्थान की अपने घरेलू मैदान पर यह लगातार दूसरी जीत है। वहीं ऋषभ पंत की अगुवाई वाली दिल्ली कैपिटल्स को लगातार दूसरे मैच में हार का सामना करना पड़ा। मैच में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करने उतरी राजस्थान की टीम ने निर्धारित 20 ओवर के खेल में 5 विकेट के नुकसान पर 185 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया था। हालांकि इसके जवाब में दिल्ली कैपिटल्स 20 ओवर में 5 विकेट पर 173 रन ही बना पाई और 12 रन से मैच हार गई। ये इस आईपीएल में लगातार होम टीम की 9वीं जीत है। अब तक जो भी टीम अपने घर में मैच खेली है इस आईपीएल में, वो एक भी मुकाबला नहीं हारी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खेल और स्पोर्ट्स की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनबीटी स्पोर्ट्स।